देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शोभा जी की होया? शोभा जी मम्मी की हो गया तुहानू? मम्मी कृति पानी लेके आ। हाँ कृति मम्मी पानी पी लो। तुसी फिकर ना करो, सब ठीक हो जाएगा। इनहेलर लेके आई, जल्दी जा। मैनू तेरे ते उदो शक हो गया सी, जदों तू सोचण लई समा मंगिया सी। तैनूं अपनियां भैणां दा कोई फिकर नहीं है। जद तक तेरा ब्याह नहीं होएगा, मैं इन्हां बारे कितना सोच सकती हाँ। नाले पसंद ना पसंद की गल कितों सीखी है तू? कल तक तो तू सबनों रब दे बंदे समझदी सी, कहती सी कि सारे इक्को जिहे ने, किसे च कोई फर्क ही नहीं है। ते हुण उस मुंडे च केड़ा फर्क आ गया है? आकृति जल्दी आलो पापा। मम्मी मम्मी कुछ नहीं होना तुहानू। मम्मी इस तरह ना करो, तुहाडी तबीयत खराब हो जानी आ। मेरी तबीयत दी परवाह इत्थे किसनू है? जे मेरी परवाह हुंदी ना ते इस तरह रिश्ता ना मोड़दी। इस तरह तड़फन तो ते चंगा इनाम देंगे मैनू? मैं कदी सोचा भी नहीं सिया। मम्मी मैं जो भी कीता प्लीज तुसी मैनू मार लो, मेरे नाल गल ना करो, पर प्लीज इनहेलर ले लो। दूर हो जा। मम्मी नहीं, दूर हो जा मेरी नजरा तो, दूर हो जा। बहुत हो गया शोभा जी, मेरी आंखें तो दूर हो जा, तू दफा आ जा। शोभा जी हालो इनहेलर लो पहले, तुसी बाकी गल्लां आपां बाद चों करांगे। जे तुसी हुण इनहेलर सुट्टिया ना ते शोभा जी मैनू भी नहीं पता मैं की कर सकदा। चलो तुसी अपने रूम च जाओ ते थोड़ा रेस्ट कर लो। जी मम्मा प्लीज चलो। नहीं मैं किते नहीं जानी, जिन्नी देर तक सब ठीक नहीं ना हो जाता कोई किते नहीं जाएगा। देखो ते सही इना कुछ करन दे बाद भी किन्ने आराम नाल बैठी है। पहला तुसी ठीक हो जाओ, आप इस बारे फिर गल कर लेंगे। नहीं जदों तक मैनू व्याह तो ना करन दा कारण पता नहीं ना लगता मैं किते नहीं जाना। जी मैनू भी ते पता लगे कि एहो जी केड़ी वजह है जिन्ने इनू इन्ना बदतमीज ते बेगैरत बना दिता है। मम्मी तुसी इस तरह क्यों कह रहे हो, प्लीज ही सब ना बोलो। अतिशा दस मैनू तू व्याह क्यों नहीं कराना चाहती? तिशु पुत्र थोड़े मन दे विच जो चल रहा ना बेफिक्र होके कह दियो। देखो ते सही किन्नी भोली बन के बैठी है, जिवें बाहर लाइन लगी होवे मुंडियां दे रिश्तियां लई। बस
हुण तुसी कुछ नहीं बोलोगे शोभा जी, बहुत हो गया। अच्छा अच्छा पुत्र, जो एक माँ अपने बच्चे नु जन्म दिंदी है ना, तो उस माँ का भी दूजा जन्म हुंदा है। तुहानू तो पता है ना कि तुहाडी माँ ने किन्नी मेहनत दे नाल तुहानू पालिया है, फिर वो तुहाडा बुरा किवें सोच सकती है। तुसी व्याह नहीं करना है, कोई गल नहीं, मैं मुंडे बाणे नाल गल कर लांगा, पर मना करने लई उन्हें कोई कारण तो दसना पेगा ना। तुहाडे कोल कल शाम तक का टाइम है, तुसी सोच के मैनू दस देना। जे तुहाडे कोल कोई खास कारण नहीं है ना, तो फिर पुत्र मैं भी तुहाडा साथ नहीं दे सकता। शोभा जी चलो मैं तुहानू कमरे तक ले जाना। मॉम, डैड, ब्रो, सारे प्लीज बाहर आओ। चाहत की होया बच्चे, तू सारे नु आवाजा मार रही है, तू ठीक तो है ना? सब ठीक है डैड, नथिंग रॉन्ग। मैं ना एक्चुअली थोड़े नाल एक बहुत जरूरी गल करनी सी। इस टाइम पर होया की है? चाहत तू कोई नवा कलेश तो नहीं पा देता ना? सौम्या जी ये कुछ कहना चाहती है उन्हें बोलन दो, चल बोल बच्चे। डैड मैं ना ब्याह दा डिसाइड कीता है। सच्ची? शुक्र है कि ते ऐस कुड़ी दे मुंह चो भी कोई चंगी गल निकली है। जे तू सानू ऐस वास्ते इत्थे बुलाया फिर ते बहुत वधिया है, असी कोई चंगा जिहा विचोला देख लैने आ ते ब्याह दी गल कर लैने आ। मॉम जे मैं ब्याह दा सोचिया फिर मैं मुंडे दा भी तो सोचा होएगा ना, मैं ना लव मैरिज करवानी है। That's really great, sir. कौन है वो लकी मुंडा जिद लिए तू सानू इस टाइम बुलाया? मैं सब दसा गी ब्रो, पर मैं ना वैडिंग थोड़ी जल्दी करवानी है। एनी वैडिंग इदा दी होनी चाहिए है जो कदे किसी ने ना देखी होवे। मेरे ब्याह ते ना सब दिया नजरा मेरे ते टिकिया होन, मेरा ब्याह नेशनल न्यूज बन जाना चाहिए है। वाह तू तो मंडप भी सजा लिया, पर पहला ए तो दस मुंडा कौन है? मॉम जिस मुंडे ना मैं ब्याह कराना चाहनी है ना वो अंगद है। मॉम हुन तुसी ना ओदे घर रिश्ता भेजन की तैयारी करो बस। हुन एकदम चाहत अंगद नाल ब्याह कराना चाहती है, पर चाहत अंगद दे लई बिल्कुल सही कुड़ी नहीं है। बस किसी तरह अंगद इस रिश्ते नू मना कर दे तो चंगा रहूगा, क्योंकि चाहत बहुत जिद्दी है, वो पीछे नहीं हटेगी। मैनू ना इस बारे दक्ष जी नाल गल करनी चाहिए, पर जे दक्ष जी नू ऐदां लग गया मैं चाहत बारे बुरा सोच रही हाँ फिर। चामी यार चाहत ना घर च मुसीबत पाउण तो कदे पिछे नहीं हट सकती, अंगद नाल ब्याह करवाउण वाला नवा ही तीर मार दिता है। तो चामी ये आइडिया मैनू बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। दक्ष जी तुहानू भी ये ब्याह दा आइडिया बिल्कुल सही नहीं लग रहा? ऑफ कोर्स यार ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुसी चाहत बारे बिल्कुल नहीं जानते, वो मेरी सिस्टर है, मैनू बहुत चंगी तरह जानदा। अंगद उहदे नाल ब्याह करा के ना कदे खुश नहीं रह सकदा, अंगद उहदे लई इक जिद्द है, प्यार नहीं है वो। ते अंगद दे दिल विच कौन है ये शायद मैनू पता है। दक्ष जी ये मैच ना बिल्कुल भी सही नहीं है।
अंगद सच्ची बहुत जिद्दी है वो। मैनू ये नहीं पता कि वो केड़ी कुड़ी नू पसंद करता है, केड़ी कुड़ी पसंद उन्हें आऊगी, बट इन्ना मैं जरूर जानती हाँ कि चाहत उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आऊगी। ओ रियली चामी भाभी, थानू हजे आए थे कुछ दिन भी नहीं हुए थे, तुसी तां इत्थे पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी। पॉलिटिक्स तू शुरू की है, ब्याह दा रौला शुरू करके। लिसन ब्रो, आई वांट अंगद ते मैं उन्हें पा के रवानगी, ते चंगा होएगा जे तुसी दोवें ना मेरे मामले च दखल अंदाजी ना करो, नहीं तो तुसी भी इस घर च सुखी नहीं रहोगे। सॉरी चामी, चाहत दी गल दा बुरा ना मन्नियो, वो मोम नाल भी इदी गल करदी है। मेरे नाल बोले कि चलेगा, पर मेरे सामने जे मोम नाल इदा गल करेगी ना मैनू सच्ची बहुत बुरा लगेगा, ते उस दिन मैं उन्नू असली पापी बन के दिखावांगी। ठीक है? ठीक है। तुसी भी अंगद वाली गल लेके परेशान ना, डोंट वरी मॉम, ये डॉक्टर ने दवाई कही सी वो मैं उन्हें देती है, वो ठीक हो जाएगा। बचपन तो लेके आज तक मैं अंगद नू कदे भी एक जगह टिके बैठे नहीं देखा, हमेशा हर बंदे दे चेहरे दी खुशी दा रीजन हुंदा सी वो, पर अज इदा लगता जिवें आप ही हसना भुल गया होवे। इदा दी कोई गल नहीं है मॉम, तुहानू नहीं पता कि अक्सर सुपने दुनिया च रहिंदा। नहीं अंबर, ये पक्का साढ़े तो कुछ लुका रहा है, कुछ तो इहो जिहा है जो उन्हूं अंदरों अंदर ही खाई जा रहा है। मैनू पता करना पैना है कि उसके दिमाग विच की चल रहा है, किते ओ कोई कुड़ी तो नहीं। ती दूध पी लो, ते भुखे रहने नाल भी कुछ नहीं होएगा, उल्टा तुहाडी तबीयत खराब होनी है, पी लो ना। अवनी मेरा दिल नहीं है, प्लीज मैनू तंग ना कर। तंग तो तुसी कर रहे हो, मम्मी पहले बीमार है, उल्टा तुसी बीमार होने वाले काम कर रहे हो। ठीक है, तुसी नहीं पीना, आज कोई भी नहीं पिएगा घर विच, रो सारे भुखे। अवनी ले दे दे, मैं पी लवांगी। ये दोनों की गल्ला कर रहे ने, किते गौतम नाल रिश्ते बारे ते गल नहीं करते, पर इन्हां नूं शायद किसी ने दस्या नहीं कि कंधां दे वी कन्न हुंदे ने। ती एक गल पुछां, जे मैनूं सच्ची सच्ची जवाब दोगे, झूठ ना बोलियो, मैं पहले तेनूं कदों झूठ बोलिया कुछ? ती तुसी किसे होर नूं पसंद कर दे हो? या तुहाडी जिंदगी च कोई है? मामा विल फाइंड आउट क्यों किस चीज नूं लेके परेशान है। तुसी परेशान ना होवो, उहदे नाल प्यार नाल गल करना अंबर, क्योंकि मैनूं इदां लगदा कि इहो जिहा कुछ जरूर है जो अंगद ने पहला कदे फेस नहीं किया। आई एम वरीड अबाउट हिम। मोम आई नो ही वांट समथिंग, बट वो चीज की है मैं ये पता करना, एंड आई विल मेक श्योर कि वो चीज उन्हें किसी भी हालत में मिले। ती जो तुहानू पसंद करता है या तुसी किसी नाल ब्याह करवाना चाहते हो मैनू दसो, मैं उन्हें तुहाडे तक लेके आवांगी, फिर चाहे किन्ने भी मुश्किल रात लंघना पवे।
ਕਿ ਅੰਬਰ ਕਪੂਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇ ਆਮ ਰੈਡੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਅਤਿਸ਼ਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਅਵਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਮੋੜਦੀ ਬਸ ਫਿਕਰ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਿੱਟੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸੂਟ ਦੁਪੱਟਾ ਪਲਾਜ਼ੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਤਿਸ਼ਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੀ MD ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਸਟਿਚ ਕਰਾ ਲੈਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਰੈਸਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸਟਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀ ਦਾਂਗੀ ਫੇ ਇਹ ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਵਨੀ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਮੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪਰ ਉਹ ਅਤਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਛੱਡੋ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਦੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਬਾਏ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਣਾ ਹੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਓਹੋ ਤੂੰ ਉਸ ਮਨੂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਨਾ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੱਲ ਪੈ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਖਟਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਲੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਖਟਾਰਾ ਜੀ ਆਦਿ ਵੇਚ ਦੋ ਇਹਨੇ ਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਥੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲੱਕੀ ਡੇ ਹੈ ਆ ਲੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆ ਵੇਚ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੁਣ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਥੋਂ ਰਾਣੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਯਾਰ
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ 500 ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਵਿਆਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਂਗ ਕਮ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਆਫਿਸ ਬ੍ਰੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੱਕ ਚਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਮੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਰ ਕਪੂਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗੀ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ